हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप फॉर इजिन कोचिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सीरीज चल रहा है, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको, तो नेक्स्ट क्लास है उसका ट्रिग्नोमेट्री पर 7th पार्ट। 6th पार्ट में मैंने आपको ओनली फार्मूला पढ़ाया था, जहाँ पर हम साइन 2 थीटा के फार्मूला, बेसिकली कॉस 2 थीटा के फार्मूला और 18 डिग्री 36 डिग्री के हमने आपको वैल्यू डिराइव कराया था। आज हम आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं हर तरह के क्वेश्चन लेके आपको करा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ इजी क्वेश्चन पहले करें, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट करेंगे। प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, प्रूफ दैट थोड़ा साइन सेलेक्ट कर लूँ ना मैं। Prove that sin theta plus sin 2 theta, sin theta plus sin 2 theta upon 1 plus cos theta plus cos 2 theta, 1 plus cos theta plus cos 2 theta equal 10 theta, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा प्लस कास 2 थीटा इक्वल टू 10 थीटा। नेचुरली आप देखो, क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लेफ्ट में साइन है, यहाँ पर 10 है साइन और कास, तो उसको हमको कंबाइन करके सॉल्व करना है। देखो, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा प्लस कास 2 थीटा, दैट इक्वल। यहाँ देखो, ये साइन थीटा है प्लस साइन 2 थीटा है, यहाँ से भी हम साइन टू थीटा को 2 sin theta cos theta यदि हम लिख दें तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इस बेस पर अपन सॉल्व करते हैं साइन थीटा प्लस, इसको लिख लिया है फार्मूला से 2 sin theta इंटू कास थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा और प्लस यहाँ कास 2 थीटा है, 2 cos theta को यदि हम 1 minus 2 sin square theta लिख दें या 2 cos square theta माइनस 1, तो इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कास 2 थीटा को मैं लिख रहा हूँ 2 cos square theta माइनस 1, क्लियर। ऐसा क्यों किया कि प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से हम cos थीटा को कॉमन कर सकते हैं, दैट इक्वल। अब देखो, न्यूमरेटर से हम यहाँ sin थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो sin थीटा कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा अंडर ब्रैकेट 1 plus 2 cos theta, 1 plus 2 cos theta, ये इजी क्वेश्चन है। और अपान यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो, ये माइनस 1 प्लस 1 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम इसमें से निकाल सकते हैं कास थीटा को कॉमन, तो कास थीटा यहाँ से कॉमन कर ले अपन, दैट इक्वल। यहाँ से कास थीटा मैंने कॉमन किया तो कास थीटा अंडर ब्रैकेट यहाँ 1 plus 2 cos theta बचेगा, 1 plus 2 cos theta, ये 1 plus 2 cos theta 1 plus 2 cos theta कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कास थीटा, दैट इक्वल टू 10 2 theta इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा 10 2 theta कहाँ से आ जाएगा। टेन थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हमको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में को हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया
कि आप ये फार्मूला यूज़ कर सको, ये आप यूज़ कर सको कि साइन टू थीटा का फार्मूला, ये टू साइन थीटा कास थीटा, कास टू थीटा का फार्मूला टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये हमारा आज का जो एक्सरसाइज है, आज का जो क्वेश्चन है, कम्प्लीटली इसी पर बेस्ड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec 8 थीटा माइनस वन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो sec 8 थीटा माइनस वन अपन sec 4 थीटा माइनस वन, sec 4 थीटा माइनस वन दैट इक्वल, हमको प्रूफ करना है tan 8 थीटा अपन tan 2 थीटा, tan 8 थीटा अपन tan 2 थीटा। देखो किस तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ से आपको कैसे गाइडलाइन मिलेगा, यहाँ तो सेक है, यहाँ पर अपने को टेन चाहिए, तो नेचुरली अपने को लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्लास डेवलप करना पड़ेगा, साइन क्लास लाना पड़ेगा अपने को। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन सपोज कर लेते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल सेक 8 थीटा माइनस वन अपन सेक 4 थीटा माइनस वन। अब ये दोनों सेक को हम कास में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कास 8 थीटा माइनस वन अपॉन वन अपॉन कास 4 थीटा माइनस वन दैट इक्वल। यहाँ एलसीएम ले लें, कास 8 थीटा तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया कास 8 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस कास 8 थीटा इंटू कास 4 थीटा, एलसीएम आएगा उसको मैं ऊपर लिख दिया कास 4 थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कास 4 थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब हमको यहाँ पर कास 4 थीटा को काट कास 8 थीटा को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर हमको tan 8 थीटा चाहिए, तो ऊपर में साइन अपने आप डेवलप होगा, और इसको ये दोनों को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। दैट इक्वल आगे हम सॉल्व करें तो 1 माइनस कास 8 थीटा। देखो कास 2 थीटा का फार्मूला अपने को पता है, कास 2 थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला में आपको, कास 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 1 को कैंसिल आउट कराना है तो ये मत लिखो, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्शन का हमारा बेस क्या होता है, देखो यहाँ प्लस 1 है और वहाँ पर यदि हम उसको माइनस 1 कर दें, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो वाला फार्मूला सही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना सही है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कास 2 थीटा के, तो यहाँ पर 8 थीटा है, 2 रहता है तो हाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यदि हम 8 थीटा को हाफ में चेंज करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस और अंडर ब्रैकेट इस फार्मूला से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपन कास 8 थीटा और इनटू, इसको ऐसे ही रहने दो, कास 4 थीटा अपन, इसको भी अपन चेंज करते हैं 1 माइनस, तो कास 4 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर? दैट इक्वल, अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो वन है इस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू ये है कास 4 थीटा अपन यहाँ से कास 8 थीटा इंटू ये वन वन कैंसिल आउट होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा दैट इक्वल। अब यहाँ पर हम सॉल्व करें, हमको चाहिए वहाँ पर प्रूफ करना है वहाँ पर tan 8 थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा,
ओके, ये टू टू को हम कैंसल आउट करा दिए, दोनों टू को, ये टू का कोई काम नहीं है अपने पास, नहीं टू का जरूरत पड़ेगा। चलो एक मिनट, पहले मैं फार्मूला को लिख देता हूँ। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, टू साइन फोर थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, टू का कैंसिल आउट कराना सही नहीं है, टू का हमको जरूरत पड़ेगा। एडजस्टमेंट है टोटल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में, टोटल एडजस्टमेंट क्या किया मैं, ये टू साइन स्क्वायर फोर थीटा में एक साइन फोर थीटा को लिखा, कॉस फोर थीटा को लिखा, और इन टू यहाँ पर एक साइन फोर थीटा बच जाएगा, तो इसको मैं लिख दिया साइन फोर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब साइन स्क्वायर फोर थीटा को दो बार लिखा, ये साइन फोर थीटा, ये साइन फोर थीटा। अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं अपन, यहाँ पर इसको कुछ मत करो, कास नहीं, इसको कुछ मत करो, कास एट थीटा क्यों नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ करने में हमको टेन एट थीटा चाहिए जिसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, और इन टू यहाँ पर साइन टू थीटा, उसको ऐसे रहने दो, टू साइन स्क्वायर टू थीटा दैट इक्वल। अब आगे यहाँ ध्यान देना, ये वाला जो पोर्शन है किस फार्मूला के फॉर्म में आ गया, देखो ये वाला हो गया फार्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा, तो हो जाएगा ये साइन टू थीटा, मतलब साइन फोर टू जा एट, एट थीटा इनटू, और यहाँ पर साइन फोर थीटा को लिखो टू साइन टू थीटा इनटू कॉस टू थीटा, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई किया, और अपन कॉस एट थीटा इनटू टू साइन स्क्वायर टू थीटा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा साइन एट थीटा अपन कॉस एट थीटा टेन एट थीटा, यहाँ पर टू टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर टू थीटा है और यहाँ पर साइन टू थीटा है, तो एक इसके साथ कैंसिल होगा, तो कॉस टू थीटा अपन साइन टू थीटा, जो कि बन जाएगा क्या कॉट टू थीटा, जिसको हम नीचे लिख के क्या लिख सकते हैं टेन टू थीटा, ठीक है। तो दैट इक्वल आगे हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये हो गया टेन एट थीटा और इनटू कॉस टू थीटा अपन साइन टू थीटा काट टू थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं, एक बार काट ही लिख देता हूँ, काट टू थीटा दैट इक्वल ये हो जाएगा टेन एट थीटा और अपन सॉरी काट को हम टेन, एक बार सिस्टमेटिक वहीं साइड में लिख देता हूँ मैं, दैट इक्वल करके, यहाँ जगह नहीं है, ये हो जाएगा टेन एट थीटा अपन टेन टू थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने किस किस तरह से एडजस्ट किया है, तो फार्मूला पर बेस्ड है, टोटल आपको फार्मूला को सही जगह में सही फार्मूला लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार देख लो इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो आपको बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन ही अपन सेलेक्ट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री, यह बेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री, 10 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री माइनस नहीं प्लस 10 81 डिग्री, प्लस है 10 81 डिग्री इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 4, ओनली 4 इक्वल टू 4 प्रूफ करना है, क्लियर। अब आपको इसको देख के लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और वैल्यूज के पेयर कैसे हैं देखो, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड को लेके मैं डायरेक्ट इस पे वर्क कर रहा हूँ ना, ध्यान देना, 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ ध्यान देना, ये 27 और 63 का पेयर है, आप खुद देख रहे हो, 90 में 27 माइनस करें तो 63 आएगा, इस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 27 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 27 कितना आएगा
63 हो जाएगा। और उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 9 डिग्री, 90 माइनस 9 81 होगा, इसके लिए पेयर बनेगा। क्वेश्चन को इस तरह से एडजस्टमेंट ही किया गया है। दैट इक्वल आगे हम लिख सकते हैं इसको tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री और माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो हो जाएगा cot 27 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा cot, ये भी हो जाएगा cot 9 डिग्री। दैट इक्वल अब हम 9 डिग्री का पेयर बनाते हैं एक साथ, ये 9 डिग्री का इस 9 डिग्री के साथ में पेयर बनाते हैं और 27 का 27 के साथ में पेयर बनाते हैं। ओके, ये 27 का 27 के साथ पेयर बनाते हैं। चलिए तो इससे क्या होगा, tan 9 डिग्री माइनस cot 9 डिग्री, ये हुआ, ये दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा tan 27 डिग्री और प्लस cot 27 डिग्री। हमको फॉर प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए ऐसा कुछ फार्मूला नहीं होता, तो हमको इसको नेचुरली क्या करना पड़ेगा, साइन कास में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन कास में चेंज करना ही बेहतर है। ठीक है, साइन और कास में चेंज करते हैं। आप देखो इसको, दैट इक्वल साइन 9 डिग्री अपॉन कास 9 डिग्री माइनस कास 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री, और सेम यहाँ पर अपन कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन कास 27 डिग्री प्लस कास 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री, ये होगा। यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए, दैट इक्वल इस एलसीएम लेने से क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया कास 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, ये हमने एलसीएम ले लिया, तो कास कास कैंसिल, साइन का हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 9 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 9 डिग्री माइनस, यहाँ पर एलसीएम आएगा कास 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, यहाँ इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 27 डिग्री। ओके, दैट इक्वल मैं इसको मूव कर देता हूँ साइड में थोड़ा सा, दैट इक्वल अब यहाँ पर ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ से यदि मैं माइनस को कॉमन करूँ तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास टू थीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में टू मल्टीप्लाइड, अब इसको 18 डिग्री और उसमें चेंज करना है अपने को, तो ये हो जाएगा, क्लियर ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस कास 18 डिग्री हो गया, ये कास टू थीटा से, और नीचे में हम 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा, मतलब ये भी हो गया साइन 18 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया, इतना ध्यान रखना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, और अपन ये या एक साथ वर्क मत करो ना, आप कन्फ्यूज मत हो जाना, ये मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट कर दूंगा, तो चलो ऊपर को ऐसे रहने देता हूँ, मैं ऊपर से माइनस कॉमन किया और उसको लिख दिया कास, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये, और अपन कास 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री माइनस ऊपर 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से, और ये हो गया कास 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर।
अब हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस 2 और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा तो 2 9 2 18, ये 18 डिग्री हो गया, और अपान यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, ये हो गया। माइनस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 sin 27 मतलब 54 डिग्री, 2 sin 54 डिग्री। अब 18 डिग्री 54 डिग्री का फार्मूला अपने को पता है। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बेट। इस कंपटीशन में आप क्लास 10th CBSE के स्टूडेंट्स के लिए है, मेन पॉइंट्स और मेन फीचर्स आपको बता दूं, आपके स्कोर, स्पीड स्कोर, लीडरशिप बोर्ड आपको शो होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन, 40 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 6 कॉम्बेट्स होंगे, आगे मैं उसको शेड्यूल बताऊंगा आपको। निगेटिव मार्किंग होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा, और आपको वीडियो के सॉल्यूशन के डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके इसके शेड्यूल क्या है। कॉम्बेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कॉम्बेट जो होना है, फर्स्ट 31 जनवरी को मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा सभी में, सेकंड 14 फरवरी, थर्ड 20 फरवरी एंड नेक्स्ट 14 मार्च, 28 मार्च एंड 11 अप्रैल। ये शेड्यूल आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद आप देखिए आपका सिलेबस, कि आपके सिलेबस क्या क्या होंगे। तो मैथमेटिक्स में आपका 10th CBSE बोर्ड में जो मैथ्स का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एंड द सिलेबस ऑफ साइंस इज केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट ऑफ करेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, दिस इज योर सिलेबस। एंड नेक्स्ट, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, 4 ऑप्शन होंगे, मैं आपको बता चुका। और यहाँ पर देखिए आगे आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टाइप के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट आपका होने वाला है वो 10th CBSE बोर्ड वालों का January 31, 2021 में 11 AM मॉर्निंग में, ये आपका फर्स्ट कॉम्बेट है, पहले मैंने आपको बता दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको इनरोल कैसे होना है, आपको ऐप डाउनलोड करके कोड यूज़ करना है अनअकैडमी, और ये है आपका रिवार्ड। फर्स्ट रैंकर्स को 12th मंथ का अनअकैडमी CBSE क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 2 को 6 मंथ का क्लास 11 प्लस सब्सक्रिप्शन, थर्ड रैंक को 6 मंथ का अनअकैडमी CBSE क्लास 11 सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 4 में 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जहां पर 1 मंथ अनअकैडमी का आपको क्लास 11 का CBSE का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करिए। ओके, थैंक यू। चाहिए जैसे वहां 1 आया वैसे यहां भी 1 आना चाहिए। 10 9 डिग्री में 10 27 प्लस 10 9 डिग्री माइनस 10 27, ओहो ये प्लस काट 9 डिग्री है, और यहां पर ये माइनस माइनस के धोखे में मैं यहां माइनस था तो यहाँ भी माइनस कर दिया, इसीलिए क्योंकि 1 आना चाहिए उसको, इतना लेंदी होता नहीं, यहाँ पर इसको 1 आना चाहिए। ओके ठीक, नहीं तो आगे प्रूफ ही नहीं हो रहा है, हमको 4 बस लाना है, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए ध्यान देना, ये काट 9 डिग्री के सामने प्लस है, और मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया उसको, ये दोनों माइनस है, वहाँ तो माइनस कॉमन करके ठीक है, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये प्लस होने से, इसके प्लस होने से 1 हो गया, बहुत चेंजेस आ जाएगा वो, ठीक है। अब आगे आप देखें इसको, ये 1 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस कॉमन करने की जरूरत नहीं हो तो 1 आ जाएगा ना, अरे ये मैं इरेज कर दूं, और ये तो पूरा 1 आएगा, जैसे राइट साइड में 1 आया वैसे इस साइड में 1 आएगा। ओके, और ये भी नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड तो करना ही पड़ेगा अपने को इस फार्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक, ये होगा 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, टू यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं ना, फिर यहाँ पर क्लियर, ये 1 हुआ। एक बार आपको दिखा दूं, इधर साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 1 हुआ,
साइन 27 डिग्री और कास्ट स्क्वायर 27 वन हुआ, कास्ट 9 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे वहाँ पर, तो उस कंडीशन में 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो 2 साइन थीटा कास्ट थीटा, यहाँ पे 2 साइन थीटा कास्ट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का 54 डिग्री। ठीक, 27 इंटू 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला, ये दोनों को सिमिलर आना था, वो मैं वहाँ से गलत कर लिया, 2 यहाँ से मैंने कॉमन कर दिया और दोनों को यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। ये डिग्री है ना, इसको डिग्री है, इसको धोखे से 540 नहीं पढ़ देना, ये हो गया। अब देखो ठीक है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान समझना। माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री हो गया, दैट इक्वल टू। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाओ, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 54 18 के साथ ऐड होगा, ठीक है, तो फिर उसमें 2 डिवाइड होगा, 72/2 36 हो जाएगा, ये सीधा 36 डिग्री और इनटू इसके साथ ये माइनस होगा तो सी माइनस डी, तो वो 36 आएगा, 2 डिवाइड होगा तो 18 होगा, तो हो जाएगा साइन 18 डिग्री और अपॉन ये है साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। क्लियर, दैट इक्वल। अब क्या होने वाला है, साइन 18 डिग्री के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दूँ, साइन 18 डिग्री साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, ये हो गया 4 और अंडर ब्रैकेट यहाँ से बचा कास 36 डिग्री, कास 36 डिग्री को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 54 डिग्री, ये लिख सकते हैं, और नीचे में है साइन 54 डिग्री, दैट इक्वल 4 इंटू ये, इसको हम फिर अब लिख सकते हैं साइन 54 डिग्री और यहाँ भी हो जाएगा साइन 54 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मिलेगा 4, दिस इज राइट हैंड साइड। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। ओके, देखिए मैं एक बार सबको कंबाइन कर देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना राइटिंग थोड़ा सा छोटा हो जाता है कंबाइन करने से, लेकिन मैंने पार्ट पार्ट में तो पढ़ा दिया और आपको एक साथ बता दिया। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, 36 और 81 को 90 माइनस करके चेंज किया, फिर 27 का एक पेयर बनाया और 9 का एक पेयर बनाया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये हो गया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया तो 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा से फिर एलसीएम लिया और यहाँ पर सी डी फार्मूला लगाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत से फार्मूला इसमें यूज़ हो रहे हैं, एक तो 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, फिर ये यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ पर सी डी फार्मूला यूज़ हो रहा है, फिर ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो ये हो गया 4 प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन और सेलेक्ट करते हैं अपन इसमें। एक ये बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है ये, इक्वल टू ए एंड कास 2 थीटा इक्वल टू बी एंड कास 2 थीटा इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको मैं, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर
इक्वल ए स्क्वायर टू माइनस ए स्क्वायर। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा पैटर्न है, ध्यान से देखो। कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए गिवन है और कास टू थीटा इक्वल टू बी गिवन है और हमको प्रूफ करना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट टू माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? चलिए तो यहां से हम जो गिवन उसको सेलेक्ट करते हैं, कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए को, और हमको उसका स्क्वायर चाहिए। नेचुरली क्वेश्चन में दिख रहा है कि वहां से हमको क्या चाहिए, उसको स्क्वायर चाहिए और कास टू थीटा दिया हुआ है। सिंस उसको रहने दो पहले, कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, एंड कास टू थीटा इक्वल बी, दैट इंप्लाइज इसको हम सॉल्व करते हैं सेकेंड को, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी, दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से इसको ब्रेक करें तो हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू बी, दैट इंप्लाइज कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए है। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं अपन, कास उसका वैल्यू ना, प्लस का वैल्यू है ए, तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा और इनटू इसका वैल्यू है ए इक्वल टू बी, देयर फोर कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से आप देखो कि हमको यहाँ कास थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू पता हो गया और कास थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया। ये दोनों के यदि हम सॉल्व कर दें तो हमको कास थीटा और साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। फिर कास थीटा और साइन थीटा को स्क्वेयरिंग करके अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को ऐड कर रहा हूँ मैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को जोड़ें तो क्या होगा, ध्यान देना, ये साइन थीटा के साथ कट जाएगा और कास थीटा टू कास थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा टू कास थीटा इक्वल, ऐड कर रहे हैं तो ए प्लस बी अपान ए, ए प्लस बी अपान ए, और इसको हम स्क्वेयरिंग ही कर लेते हैं, अभी इसकी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड का, तो हो जाएगा फोर कास स्क्वायर थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा टू बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज सपोज रिलेशन नंबर थर्ड। ओके, अगेन हम क्या करें, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दें। यदि हम फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे तो कास कास कैंसिल आउट हो जाएगा, कास कास के साथ माइनस होके और ए प्लस होके हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी तो अभी स्क्वायर नहीं होगा, बाद में होगा, अभी तो हम लिखेंगे केवल टू साइन थीटा, स्क्वेयरिंग बाद में करेंगे, टू साइन थीटा इक्वल क्या क्या है, फर्स्ट में सेकंड को माइनस किया तो ए माइनस बी अपॉन ए, ए माइनस बी अपॉन ए, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करते हैं तो हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा तो माइनस टू बी प्लस बी, ऐसे सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि दूसरा टर्म्स तो बी अपॉन ए है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज सपोज रिलेशन नंबर फोर। अब एडिंग फर्स्ट एंड फोर सॉरी थर्ड प्लस फोर को क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, तो फोर यहाँ से कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको फोर मिल गया और इन दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये टू ए बी इस टू ए बी के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड होके टू स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये होगा कि आप प्रूफ कर रहे हैं अपने को बी स्क्वायर इक्वल टू इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके बाद।
टू दोनों साइड से कैंसिल आउट के टू दोनों कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू इक्वल टू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके चलिए अब इसको एडजस्ट करेंगे, प्रूफ करने के लिए जो फॉर्म दिया है उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। तो हम ए स्क्वायर को एलसीएम लेके इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर को एलसीएम लिया इधर कॉमन कर, या ए स्क्वायर का पूरे रिलेशन में मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर का पूरा मल्टीप्लाई करने से यहाँ हो जाएगा ए टू द पावर फोर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर को अकेले रहने दो तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू ए स्क्वायर, एडजस्टमेंट है केवल और कुछ नहीं है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन करो तो टू माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। तो कुछ एल्जेब्रिक रिलेशन भी इसके साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ गया, तो ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट टू माइनस ए स्क्वायर, तो क्या किया गया इस क्वेश्चन में एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान देना, कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए दिया है उसको रिलेशन फर्स्ट मान लिया, कास टू थीटा को बी दिया है, कास टू थीटा को बी, कास टू थीटा को कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको फैक्टराइज कर दिया गुणनखंड, कास थीटा माइनस साइन थीटा, कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू बी। अब हमने क्या किया, कास थीटा प्लस साइन थीटा ए है उसके यहाँ पर पुट अप कर दिया, कास थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया, एक बार दोनों को जोड़ा तो फोर कास स्क्वायर थीटा निकाला, दोनों को घटाया तो फोर साइन स्क्वायर थीटा निकाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोनों को जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कास वन हो गया, इसके बाद एडजस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर एलसीएम लेके या पूरे इक्वेशन में हमने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर फोर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर फोर ए स्क्वायर कॉमन किया तो ये प्रूफ हो गया। तो ये आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये सब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के न्यू कॉन्सेप्ट को न्यू चैप्टर को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक आप अच्छे से तैयारी करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको लास्ट में मैं बता दूँ जाते जाते कि फार्मूला आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट फार्मूला पर बेस्ड है, फार्मूला में जितना अच्छा कमांड होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में उतना ही अच्छा कमांड होगा। ओके थैंक यू।